अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लीजिए, ये उसका पार्ट टू है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं पहले यहाँ पे डार्क टोन से शुरू कर रहा हूँ। देख सकते हो मैं कैसे डार्क एरिया को कवर करने के लिए पहले ब्राउन उसके बाद पीच कलर का यूज करके उसके सेकंड टोन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। लाइट पोर्शन को छोड़ के पीच कलर से शेडिंग कीजिए। लोग देख सकते हो मैं कैसे कॉटन बर्ड का यूज करके अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को भी आराम आराम से करना है। ब्लेंडिंग कीजिए, करने के लिए जल्दबाजी मत करना, आराम आराम से बिल्कुल ब्लेंडिंग करना और यूज करना कॉटन बर्ड से। इसलिए क्या होता है, पोर्ट्रेट बहुत अच्छी तरीके से बनता है।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कैमल का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज किया है फॉर द हाईलाइट ऑफ द आईज एंड द आईब्रोज सेक्शन। सो आप लोगों को भी ऐसा ही कर सकते हो फॉर द मोर डिटेल्स। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।